हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट में एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन है उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इस वाली वेबसाइट को दिखाऊँ तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए कितना स्मूथ सा एनिमेशन आ रहा है। इसमें इसके अलग अलग सेक्शन पर आप कैसे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें दो सेक्शन, एक लेफ़्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, इसमें ये बॉटम से उठ के आ रहा है। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में कैसे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और मैं इसमें AOS एनिमेशन लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ। ये एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके मैं इसको बताऊँगा कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा HTML का डिज़ाइन किया हुआ है, वो इस तरह से कुछ मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें मैं आपको ऐड करके बताऊँगा कि आप एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करके उसका एनिमेशन का नाम दिया हुआ है, फेड अप, फेड डाउन, अन फेड राइट, फेड लेफ्ट, बट इसमें एनिमेशन ऐड नहीं किया है। वो एनिमेशन ऐड कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको इस वाले URL पे चले जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप डायरेक्टली सर्च भी करेंगे AOS एनिमेशन तो आपको टॉप पर ही दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वही पेज ओपन करके दे देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से एनिमेशन ऐड किए हुए हैं। जैसे इसमें एनिमेशन एडेड है, आप अपनी वेबसाइट में कम्प्लीटली इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फेड राइट, फेड डाउन से, लेफ्ट से, फ्लिप हो रहा है, अप हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो मतलब किसी भी तरह के एनिमेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको यूज़ करके बहुत ही ईजिली आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं इसका यूज़ कैसे करते हैं वो बताता हूँ। हालांकि इसका डॉक्यूमेंटेशन भी नीचे दिया हुआ है इसकी वेबसाइट पे। आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है इसको बता रखा है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं या तो आप CDN के थ्रू भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों करके बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको CDN का यूज़ करके बताता हूँ, उसके बाद आपको डाउनलोड करके बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। इसमें दो फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी, एक CSS का है और एक JS का है। और उस कोड को इनिशियलाइज करने के लिए एक छोटा सा कोड ऐड करना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। तो वो सब कैसे करते हैं, मैंने जो HTML ये वाला बना रखा है इसके अंदर मैं ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और वो दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने उस फाइल को अपने कोड एडिटर में ओपन कर रखा है और ये कुछ CSS लिखी हुई है इंटरनल को डिज़ाइन करने के लिए। अब मैं इसके अलग अलग सेक्शन पे, जैसे फेड अप वाला है, इसमें फेड डाउन वाला है, इनमें ऐड करके बताऊंगा। पहले तो मैं आपको CDN का यूज़ कैसे करके बताते हैं वो करता हूँ, और उसके बाद आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस URL को कॉपी करके अपने HTML टैग का जो हेड टैग है उसके अंदर उस पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ के इसमें जाके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और ये हमारा CSS का पेस्ट हो गया। अब हम इसकी स्क्रिप्ट का जो CDN है इसको कॉपी करके इसको फुटर में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये JavaScript है तो उसको नीचे ही रखते हैं। और उसके बाद जो आपका ये छोटा सा कोड दिया हुआ है जो इस एनिमेशन को इनिशियलाइज करेगा, इसको डायरेक्टली कॉपी करना है और जस्ट पेस्ट कर देना है, एंड नथिंग। बस इतना करने के बाद आपको जिस भी एनिमेशन का यूज़ करना है, अभी जैसे मैं इस वाले का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से जो ये वाला है डेटा AOS फेड अप, इतना कॉपी करना है यहाँ तक। उसके बाद आपको जिस भी सेक्शन में इसको ऐड करना है, मैं इसके फर्स्ट सेक्शन में ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ये फेड अप वाला है, मैं थोड़ा स्पेसिंग दे दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इसमें जहाँ आपका डीप स्टार्ट हो रहा है या तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या तो इसके लास्ट में पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसके लास्ट में पेस्ट करता हूँ, आपकी अपने अपने अकॉर्डिंग कहीं रख सकते हैं कहीं भी। इसको पेस्ट करके और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे जो बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे, देखिए फेड अप होके आ रहा है। अब ऐसे ही आप किसी भी कोई सा भी एनिमेशन को जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली कॉपी करना है यहाँ से, और जिस सेक्शन में आपको वाला एनिमेशन यूज़ करना है वहाँ पर बस पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, आप देखेंगे कि ये फेड अप फेड डाउन हो रहा है। तो ऐसे ही मैं सब में यूज़ कर देता हूँ, ये फेड राइट वाला इस वाले सेक्शन में। कुछ नहीं, जस्ट आपको कॉपी करना है, जिस भी एनिमेशन का आपका यूज़ करना है उसको कॉपी कीजिए
कॉपी करने के बाद जिस सेक्शन में यूज़ करना है डायरेक्टली वहाँ पेस्ट कर दीजिए जहाँ आपका डिव एंड हो रहा है। आप डिव के स्टार्टिंग में यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, आप एंड में भी ऐड कर सकते हैं। मैं एंड में ऐड कर रहा हूँ सो दैट ये प्रॉपर एक एक तरफ दिखे, तो वो इसलिए मैं एंड में ऐड कर रहा हूँ। तो आपको जैसा सूटेबल लगे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा दिखेगा। जैसे ही वेबसाइट लोड होगी वो वैसे ही एनिमेट होके आएगा स्मूथली। तो ये सब मैं ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद ये ऐड करने के बाद मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कितना मस्त ये होके आ रहा है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी यूज़र की वेबसाइट बनाते हैं और उसमें ये ऐड करेंगे, देखिए कितना पॉपअप होके लेफ्ट राइट से आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी वेबसाइट के किसी भी सेक्शन में किसी भी तरह का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मैंने इतना यूज़ किया हुआ है, आप कुछ भी जो भी एनिमेशन चाहते हैं, जूम इन जूम आउट वो सब ऐड करके इसमें देख सकते हैं। तो मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इतना ये बताया हुआ है कैसे इसका यूज़ करना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से चल रहा है। तो मैं आपको एक फ्लिप वाला करके दिखा देता हूँ, इसी में इसी को अभी हटा देते हैं, यहीं पे फ्लिप वाला लगा देता हूँ और उसके बाद आके रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद आप आएंगे, देखिए नीचे जो वहाँ पे फेड डाउन लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लिप होएगा वो वाला है, ये देखिए फ्लिप होके आ रहा है। और ऐसे ही आप यहाँ पे जूम का दिया हुआ है, जूम इन है, जूम इन अप है, जूम इन डाउन है, जूम इन लेफ्ट है, आप जिस जिस किसी बार किसी का भी यूज़ करना चाहते हैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट एक HTML बनाया है जो आपके पास वेबसाइट है उसमें आपको AOS की लाइब्रेरी में जाना है, यहाँ से उसकी CSS का जो CDN है ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है हेडर में, ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है फुटर में, बॉटम में, और ये वाला कोड पेस्ट कर देना है कोड को इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो ये तो CDN का यूज़ किया करके मैंने बताया था। अब अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट में डाउनलोड करके कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे से इसको डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी फाइलें देता है, उससे कन्फ्यूजन होता है। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, जो CDN दिया हुआ है इसको कॉपी कीजिए और एक नया टैब ओपन करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। तो ये आपको इतना कोड सारा दिख जाएगा, तो आपको इसको सेव कर लेना है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, आप इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये हमने CSS डाउनलोड कर ली है, और फिर जावास्क्रिप्ट को भी सेम ऐसे ही करना है, कॉपी करना है, URL में जाके इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके इसको एंटर करना है। एंटर करोगे तो फिर ये जावास्क्रिप्ट की सारा जो कोड है वो दिख जाएगा। फिर इसको कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर लीजिए, ये दोनों फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जहाँ आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए दोनों फाइल को, और जिस फोल्डर में आपका वेबसाइट है, आपका जिसमें एनिमेशन ऐड करना है, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको इस फाइल को जाके अपने कोड में जो एनिमेट डॉट HTML वाला कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर उस कोड को लिंक करना पड़ेगा, उस फाइल को लिंक करना पड़ेगा, JS और CSS वाली। तो अभी मैंने CDN लगाया हुआ था, लेकिन इस CDN के अलावा अब मैं यहाँ पे जो मेरी लोकल पे फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है, ये JS और CSS वाली, इसको इस फाइल में लिंक कर दूंगा। तो उसको CSS को लिंक करने के लिए हमारे पास ये होता है लिंक रिलेशनशिप स्टाइल एंड टेक्स्ट CSS है, और उसके बाद उस वाली फाइल का नाम, जो इस फाइल का नाम है AOS.css, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए या तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, इस एक CSS तो हमने लिंक कर दी। अब हमारा रहता है जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो इस सेम ऐसे इसको भी नीचे आइए, और मैंने पहले ये वाला जो CDN लगाया हुआ था इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद जो अपने लोकल पे फाइल डाउनलोड करी हुई है उसको लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। तो उसको लिंक करने के लिए ये हमारा फाइल होता है, और इसको स्क्रिप्ट को ऐसे लिंक करते हैं SRC के अंदर, और AOS.js जो मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है ये वाला, इसको जस्ट कॉपी यहाँ से करो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब ये मेरी दोनों फाइल लिंक हो गई है, और ये जो छोटा सा कोड है ये वाला, ये तो आपको रखना ही है इस ये, क्योंकि ये जो हमारा एनिमेशन की लाइब्रेरी है इसको इनिशियलाइज करता है। तो ये रहेगा
और ये हमारा जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देना है जो लोकल पे डाउनलोड किया आपने, और ये सीएसएस को लिंक कर देना है। अब इसमें मैं कोई सीडीएन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एओएस वाला पहले जैसे यूज़ किया था वैसा कुछ नहीं है। अब आपकी ये फ़ाइल लोकल पे है और लोकल से इस फाइल में कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव करना है और फिर जाके उसी फाइल को रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ देखेंगे अभी भी प्रॉपर वर्किंग है। और अगर आपको इसकी कोड सब कोड चेक करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल यू करके यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका फ़ाइल यहाँ पे लिंक हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ाइल खुल जाएगा। अगर आपका फ़ाइल कनेक्टेड नहीं रहेगा तो यहाँ से नहीं खुलेगा, वो नॉट एरर पे जाएगा। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे डबल एस लगा दिया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा जाके तो ये नॉट फाउंड बताएगा, इस तरह से कुछ आएगा। अगर लिंक रहेगा तो वो डायरेक्ट फाइल का कोड ओपन कर देगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे फिर से सही कर दिया हूँ फाइल, उसके बाद फिर यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल खुल जाएगा कोड वाला। इसका मतलब आपका फ़ाइल लिंक हो चुका है इसमें। और इसका ये किस तरह से इसका सोर्स कोड ओपन होता है, अगर इस पेज पे जाके आप कंट्रोल यू करेंगे तो ये किस तरह से कोड खुल जाता है इसका। अब जैसे मैंने फ़ाइल डाउनलोड की हुई थी, डाउनलोड करके अपने लोकल पे जो मेरी फ़ाइल थी और जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैंने अपने फ़ाइल से लिंक कर दिया हुआ है। अब मुझे सीडीएन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्टली अपने लोकल फाइल से काम करेगा। और मैंने जावास्क्रिप्ट को भी इस तरह से लिंक कर दिया है। और इसके बाद अगर आप फिर आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं जो आपने फ़ाइल ऐड किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि सेम काम कर रहा है, आपको सीडीएन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो सीडीएन का यूज़ करके या तो डाउनलोड करके, तो जैसे भी आपको इजी लगे। इजी तो सीडीएन का ही होता है, डायरेक्ट कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो एंड जस्ट यूज़ इट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीडीएन कभी काम नहीं करता, तो आपका साइट पे जो एनिमेशन लगा रखा है अपने काम नहीं करेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड करके ही उसको लगाएं तो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये इस तरह से आप कुछ एनिमेशन ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, किसी कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी सेक्शन में आप ऐड कीजिए और यहाँ से जो भी एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे एओएस पे जाके यहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको बस, उसके बाद और कुछ नहीं। और ये परफेक्टली वर्क करेगा, जिस तरह से आप यहाँ पे जिस तरह से जो एनिमेशन काम करता है उस तरह से दिखा रखा है इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कीजिए। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।